उसके लिए जब आपको अप्रोच किया गया, क्या रिएक्शन था, अगर थोड़ा सा बताया उस बारे में, और अगर फिल्म के बारे में थोड़ा सा अगर बात करें। जब मुझे अप्रोच किया था इस फिल्म के लिए विनय जी ने, तो मैंने इनसे कहानी सुनी थी और उन्होंने पूरी कहानी मुझे डिटेल में सुनाई थी और मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी। बहुत ही कॉम्पैक्ट कहानी है और बहुत डेफिनेट है इसकी अप्रोच कहानी की। और मैंने, मुझे लगता है मैंने बिल्कुल भी समय नहीं लिया था इस बात को कहने के लिए कि यस आई एम डूइंग दिस फिल्म। तो मुझे इनके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा। फिल्म अच्छी बनी है बहुत, और आई एम श्योर कि सबको बहुत बहुत पसंद आएगी। सर, किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार होगा? और ये किरदार है, एक पंडित हैं ये, और कृष्णा के भक्त हैं। और ये इनकी काफ़ी तमन्ना थी कि वहाँ कश्मीर में, उस समय जबकि ये कहानी है, कोई कृष्ण का मंदिर नहीं था, तो इनकी ये तमन्ना थी कि इन्होंने मंदिर के लिए एक ज़मीन अलॉट कराई थी, लेकिन वो ज़मीन इन्हें मिल नहीं पाई कभी भी। और उसके लिए इन्होंने, सभी लोगों ने, जो सोसाइटी के लोग थे जो चाहते थे कि मंदिर एक बने वहाँ पर, उन सभी ने पैसे भी इकट्ठे किए, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, जो दूसरे लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने कभी ये होने नहीं दिया। और फाइनली यह बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो पैसे जमा किए हैं, या तो वो जब्त हो जाएंगे, या तो, या फिर यह है कि तुम ये पैसे ले लो। और पंडित जी बिल्कुल ख़िलाफ़ थे इस बात के कि नहीं, मंदिर की ज़मीन है तो मंदिर ही बनेगा, यहाँ मॉल कैसे बन जाएगा? जिस चीज़ के लिए अलॉट हुई है वो ज़मीन, उसी पे वही बनना चाहिए। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के लिए ये तय होता है कि बीच में एक क्रिकेट आती, क्योंकि पंडित जी के जो बेटे हैं, जो ये दर्शील रोल कर रहे हैं, ये सचिन को अपना आइडियल मानते हैं और हमेशा इनके दिमाग में सोते जागते सिर्फ सचिन 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 रहता है। इनको क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है और ये एक एकेडमी से भी, एक एकेडमी भी है वहाँ पर, वो लोग भी क्रिकेट को बढ़ावा देना चाहते हैं। और अंत में बात इस नतीजे पर पहुँचती है कि एक क्रिकेट मैच खेला जाए जो दर्शील की टीम, यानी जिसकी तरफ पंडित जी हैं या और दूसरे सोसाइटी के लोग हैं, और एक तरफ वो जो एकेडमी वाले लोग हैं, जो कमर्शियल एकेडमी चलाते हैं, वो उसमें बहुत अच्छे अच्छे लड़के थे। मतलब उसमें ऐसे लड़के भी थे जो नेशनल्स खेल सकते थे या जो नेशनल्स में जा रहे थे। तो ये तय पाया जाता है कि इन दोनों का मैच करा दिया जाए, और वो इसलिए मैच करा दिया जाए कि पंडित जी की टीम तो हार ही जाएगी, तो ना पैसे देने वापस पड़ेंगे और ना ज़मीन अलॉट होगी, इसके लिए ये मैच कराया जाता है। और फिर ये मैच से क्या होता है, कैसे ये बच्चा जो है खेलता है, और इसमें पंडित जी का क्या रोल होता है, वो उस, ये पूरी कहानी है। और फाइनली ये जो मैच जो है ये जीतते हैं और वहाँ मंदिर बनता है। दर्शन, आपसे जानना चाहूँगा, कितनी गर्व की बात थी कि आप सर के साथ काम कर रहे थे, और थोड़ा सा ब्रेक भी लिया था आपने, दो तीन म्यूजिक वीडियो की, और अब जो लगातार दूसरी फिल्म कर रहे हैं आप, ये शूट, तो क्या कहना चाहेंगे, अगर थोड़ा सा बताएं उस बारे में, और थोड़ा सा अगर किरदार के बारे में बात करें, कैसा एक्सपीरियंस रहा सर के साथ काम करने का? ये फिल्म क्रिकेट पर, बेसिक थीम इसकी क्रिकेट में है, और वो मेरे लिए एक ड्रीम कम ट्रू सॉर्ट ऑफ था। माई फादर हैज़ बिन एक बहुत बड़े क्रिकेट फ़ैन, इनफैक्ट वो क्रिकेट खेलकर अपने कॉलेज के लिए बहुत सारे ट्रॉफीज़ भी जीते थे। उन्होंने मुझे दिखाया था, ये तेरे अवार्ड्स और ये मेरे क्रिकेट के अवार्ड्स हैं। तो मुझे भी बहुत मन करता था, एंड मुझे इनफैक्ट कुछ थोड़ा वक्त मिला था 6-8 महीने का कुछ ट्रेनिंग ज्वाइन करने का, लेकिन मैं वो कम्प्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे दूसरे कमिटमेंट्स थे। तो वो ऐसा कहते हैं ना कि फिल्म के थ्रू कहीं ना कहीं तुम्हारे सपने तुम पूरे कर सकते हो, तो ये मुझे क्रिकेट खेलने का मौका मिला होकस बुकस में। और मैंने विनय पाजी को, मैंने, उन्होंने बोला इतना स्माइल क्यों कर रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि क्रिकेट का है, तुझे कुछ नॉलेज है। तो मैंने बोला सर बस मुझे यही कर रहा था बहुत टाइम से, एंड इज़ लाइक बहुत ढेर सारा क्रिकेट खेलना है तुमको, एंड यू नो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो आई वॉज इन वंडरलैंड, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया ये सब करने में। एंड सेट पर इनफैक्ट ऐसा होता था कि हम क्रिकेट खेलने में टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते थे, क्रू वाले भी सब जुड़ जाते थे हमारे साथ। सो वो बहुत याद भी आती है उसकी कभी कभी कि यार सेट पर क्रिकेट खेला था, बहुत मज़ा आई थी। सो ओवरऑल इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल शूट, एंड अरुण सर के साथ काम करना मतलब एकदम सीधी बात है। आई मीन फॉर मी, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं कितना सीख सकता हूँ, मैं कितना समझ सकता हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा था उनको। एंड वो जब बात करते थे विनय सर के साथ, सोम सर के साथ, कि जो जब वो लोग सीन एक्सप्लेन करते थे एक दूसरे को, तो वो जो वार्तालाप होता था, मैं थोड़ा सा ऐसा घूमता था आसपास, मैं पूछता था क्या पूछा ये वो, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती थी
अप्रोच जानने की, और वो सुनकर मैं बहुत फैसिनेट होता था कि इतना एक्सपीरियंस है सर के पास. मैं आई थिंक पैदा हुआ उसके बहुत साल पहले से वो काम कर रहे, वो एक्टिंग कर रहे हैं. सो कैसे ये, क्या मतलब किस तरीके से वो ये लाते हैं, ये सवाल आते कहाँ से है? यू नो इट्स जस्ट पैशन एट द एंड ऑफ द डे. एंड मैं बस वही सोचता था. फिर हर रात घर जाकर आई टू बी लाइक यार इस यही टाइप की मेरी एक लेगेसी होनी चाहिए, कि यही टाइप का मुझे इंस्पिरेशन मिलता था अरुण जी के साथ काम करके. एंड या ओवरऑल आई मीन ये फिल्म, मेरा कैरेक्टर अर्जुन का है. मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. एंड जैसे अरुण जी का कैरेक्टर कृष्ण भगवान में मानता है, तो मैं सचिन भगवान में मानता हूँ. मेरे लिए मेरी पूरी लाइफस्टाइल उनके आसपास यू नो मैंने डिज़ाइन की हुई है. जो चीज़ मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट की इस कैरेक्टर की तरफ वो थी कि बहुत कम, वो क्या होता है कि कभी कभी कम उम्र के लोग बड़े उम्र के लोग के सिचुएशन में फंस जाते हैं, और उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती है. कभी कभी तुम अटक जाते हो, फंस जाते हो, इमोशनली प्रॉब्लम हो जाता है, और कभी कभी तुम अडेप्ट कर लेते हो. कभी कभी तुम डिसाइड करते हो कि मुझे सही चीज़ जो मेरे हिसाब से वो मुझे करनी चाहिए, जो तुम्हारे संस्कार है, जो भी है तुम्हारी लाइफ एक्सपीरियंसेस है. सो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक आता है इस कैरेक्टर में, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. क्योंकि वो जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो ये ऑडियंस को ऑटोमेटिकली समझाता है कि तुम चेंज कर सकते हो. इट्स नेवर टू लेट. आज तुम्हारी लाइफ में कुछ भी हो, तुम अटकने मत जाओ, तुम्हारे चेंज करने की ताकत तुम्हारे अंदर ही है. तो यही इस फिल्म में था, और वही उसी के कारण मुझे लगा कि यार इसका ये करने में मज़ा आएगा. एंड मैंने बस सर को यही कह रहा था कि अभी ऑलमोस्ट एक साल होगा अभी हमें मिलकर, एक डेढ़ साल आई थिंक, एंड हियर वी आर, फिल्म रेडी है एंड आप लोगों को दिखाने की बहुत ही एक्साइटमेंट है. आज के दौर में अरुण सर ऐसे कई फिल्में बन रही हैं जो यू नो सेंसिटिव होती हैं, सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, लेकिन जब फिल्म प्रोजेक्ट होता है तो एक जो वर्क होता है वो तो एंटरटेनमेंट फॉर्म के तौर पर देखता है फिल्म को, लेकिन एक दूसरा वर्क होता है जो शायद ज़्यादा सीरियसली लेता है फिल्म मीडियम को. वो क्या कहना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित पे या कश्मीर पे बार बार फिल्में बन रही हैं, तो वो चीज़ कहाँ तक आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, जो हमारी ज़िंदगी में हो रहा होता है फिल्में उस पर बनती ज़रूर हैं. ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है. जो जो भी टॉपिक होता रहा है उस पर फिल्में बनती रही हैं, और ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा है और बहुत बरसों से चला आ रहा है हमारे साथ, और इस पर इस दिशा में काम भी बहुत हो रहा है. वरना पहले ये जो भी कुछ हुआ है वो बहुत सालों से हो रहा था, लेकिन फिल्में नहीं बनती थी. अब लोगों में कहने की हिम्मत भी आ गई है, यू नो लोग स्वीकारते हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है हमारे साथ, और हम क्यों ना कहें जब हमारे साथ हुआ है. तो ये हिम्मत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है. जैसे मीडिया में भी अगर आप देखें तो है ना, डिफरेंट तरह के से जो जर्नलिज्म था उसका स्टाइल बिल्कुल बदल गया है अभी, तो ऐसे फिल्में बनाने का भी स्टाइल बदल गया है. और तो और बल्कि मैं ये कहूँगा कि फिल्म देखने का भी स्टाइल बदल गया है. अब फिल्में एक सेंट्रल पॉइंट लेकर एक फिल्म बन जाती है. पहले की फिल्में जो थी वो इसमें चार गाने होने चाहिए, तीन डांस होने चाहिए, एक कॉमेडियन तो ज़रूर होना चाहिए जो हर छः सीन के बाद आना चाहिए. वो सब खत्म हो गया बिल्कुल भी. फिल्में अब सब्जेक्ट पे बन रही हैं, है ना, तो सब्जेक्ट ढूंढा नहीं जा रहा है कि इस पर एक ऐसी कमर्शियल टाइप की फिल्म बनाए. डायरेक्टर को अगर कोई अच्छा लगता है कि ये सेंट्रल पॉइंट है मेरी फिल्म का, तो उस पर फिल्म बन जाती है. और ऐसा नहीं होता कि कश्मीर पे लोग ये सोचेंगे अगर कश्मीर पे बहुत फिल्में बन रही हैं तो ये नहीं हम देखेंगे. अब देखिए, ये फिल्म ठीक है, कश्मीर का बैकग्राउंड है इसमें, ठीक है, लेकिन कोई पॉलिटिकल एजेंडा उस तरह का नहीं है. और इसके अगर आप पोस्टर्स देखेंगे तो इस पोस्टर्स जो है दूसरी कश्मीर पे जो फिल्में बनी हैं या जो बन रही उनसे बिल्कुल अलग हट करे हैं. जैसा इसमें कहा गया कि कृष्णा है, इसमें क्रिकेट है और कश्मीर है, तो इस तरह की फिल्म कश्मीर पर पहली बार बनी है जो इतनी ज़्यादा इमोशनल है, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, जिसमें कोई धर्म की बात नहीं की गई, कोई मार काट की बात नहीं की गई है. एक लोगों का एक विश्वास है परमात्मा के प्रति, एक बच्चे का विश्वास है अपने क्रिकेट के प्रति, वो इसमें बेसिकली दिखाया गया है. और ये कि हमें अगर हम सोच लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, पॉजिटिव बात है समाज के लिए, तो हम क्यों ना करें उसको. वही बात है कि अपनी लगन जो है ना इंसान में वो ज़रूर होनी चाहिए, अपनी बात कहने का दम ज़रूर होना चाहिए, और इस फिल्म में वो बात बहुत अच्छी तरह से कन्वे की गई है. पर काफ़ी इंटरफेरेंस भी होता है, कोई प्रोजेक्ट होता है आज के ज़माने में, जो भी प्रोजेक्ट बनता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरफेरेंस होता है लोगों का, तो वो इंटरफेरेंस कहाँ तक अफेक्ट करता है किसी प्रोजेक्ट को?
बुक करता है, इट डिपेंड्स ऑन आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप क्यों बनाना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये भी ज़रूरी होता है कि हम यही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो राइटर्स होते हैं किसी प्रोजेक्ट के, वो क्यों इसको करना चाह रहे हैं। कई बार तो लोग चाहते हैं कि यार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा तो फिल्म जो है उसमें सुर्खियों में आ जाएगी, और एक बार सुर्खियों में आ गई तो ये गई और वो गई, फिल्म तो चलने वाली है। तो इट डिपेंड्स ऑन कि आपका आपकी नीयत क्या है एक फिल्म के प्रति। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए फिल्म बना रहे हैं, आप एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं, आप इसलिए फिल्म बना रहे हैं कि मैं समाज को कुछ दे सकूँ, आप इसलिए फिल्म बना रहे हैं कि मेरा बहुत बड़ा नाम हो जाए, मैं बहुत बड़ा फिल्म मेकर बन जाऊँ। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी आपका बेसिकली एम क्या है, तो उस पर डिपेंड करती हैं सारी चीज़ें। ऑल्सो सर, ऐसा बहुत कम टाइम होता है जब फिल्म में दो डायरेक्टर्स देखने मिलते हैं, तो कैसे कोलैबोरेशन हुआ आप दोनों का, उस बारे में कुछ बताइए। और क्या मतलब ऑन सेट किस तरह से आप दोनों कोऑर्डिनेट करते थे, अगर उस बारे में भी कुछ बताना चाहे सर। मैंने सर सबसे पहले सुमित्रा जी को मैं मिला था एक शो के दौरान, एक शो मैंने बनाया था पहचान, उसके स्क्रीनिंग हम जब स्क्रीनिंग कर रहे थे तो मुझे सुमित्रा जी मिले थे मेरे दोस्त के थ्रू। तो बड़ा इन्होंने जो काम किया है नसरुद्दीन शाह साहब के साथ, बहुत गहरा काम किया हुआ इन्होंने, तो हमारी बातचीत हुई, इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, मगर तब मैं सिर्फ प्रोड्यूसर था, तब मैं डायरेक्शन का सोचता नहीं था, उस टाइम सीख रहा था व्हाट्सएप के साथ बहुत देर से, पर कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का काम करेंगे। डायरेक्टर की खोज हो रही थी, पर जिस भी डायरेक्टर को मिला कहीं ना कहीं वो जो एसेस, जैसे अरुण सर ने बताया कि जो फिल्म का एसेस होता है ना, जो जिस वजह से बनाई जाती है, वो कहीं भी अस्त व्यस्त हो रहा था काफ़ी डायरेक्टर को जब मैं मिला। कहीं ना कहीं हर कोई आज के डेट में कमर्शियल एंगल और ये मुद्दा ढूंढता है जब आप कश्मीर बोलते हैं, मगर मेरी फिल्म की जो कहानी है वो कश्मीर में इसलिए है कि कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे आई थिंक सचिन को लोग बोल सकते हैं कि ये गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं है, शोएब इज़ बेटर देन सचिन, और पूरी इंडिया में मुझे लगता नहीं कि, तो एक रीज़न है कश्मीर में हमें कहानी को रखने का, और उस वजह से मैंने ये कहानी को सोचा। इसके लिए डायरेक्टर को ढूंढा तो मुझे एक वन स्टॉप शॉप जहाँ मुझे लगे कि ये जिस भाव से बना रहा हूँ, तो वैसा कुछ जब नहीं समझ आया तो मैंने थाना, और क्योंकि मुझे क्लैरिटी थी कहानी को, हमने बहुत देर तक इसको बुलाएं, तो मैंने पहली बार डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान किया कि मैं इसको करना चाहूँगा। लेकिन डर होता है शुरुआत में कि ऑन सेट की कुछ काफ़ी चीज़ें होती है, इतने लोगों को साथ लेके चलना और साथ में प्रोड्यूस भी करना, ये एक बहुत मुश्किल काम है आज के दौर में, क्योंकि फिल्में बहुत बड़े लेवल बनती हैं। तो इसलिए मैंने सुमित्रा जी से उनका साथ मांगा कि अगर आप इमोशन पकड़ और आप सेट पे हमारे साथ होंगे तो एक साथ रहता है। लेकिन ऐसा हुआ कि मुझे इतने अच्छे एक्टर मिले, जो मेरे दोनों कोर एक्टर थे वो इतने कमाल थे, मैं सच बोल रहा हूँ इसमें, मतलब आई वॉज अमेज्ड टू सी कि किस तरह आप एक कहानी देते हो किसी एक्टर को और वो उसको उस किरदार को 100 गुना ऊपर कर देता है। मेरी फिल्म में मैंने आई थिंक बहुत सारे नए लड़कों को काम दिया, एक लड़का है इसमें कश्मीरी लड़का जिसको आबिर जम्मू से, तो वहीं से आया और वो मुझे चंडीगढ़ मिला एक एक्टिंग वर्कशॉप में, उसको पहले दिन से जब मैंने देखा एज ए एक्टर, मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो कैरेक्टर था मुझे लगा वही लड़का करेगा, उसकी पहली फिल्म है, लेकिन वो जब पर्दे पे आता है तो मुझे लगता है कि ये एक जीत है हमारी। वैसे ही एक और लड़का हमने चंडीगढ़ से लिया, एक सिख लड़का है करमन, तो मैं बोल रहा हूँ नए लड़कों के साथ काम किया जो मैंने वो एक्सपीरियंस, प्लस जो इन लोगों का साथ था एक्सपीरियंस, इन लोगों ने कमाल किया। मतलब अरुण सर जब सेट पे आते थे मैं हैरान हूँ कि आपका एक डायलॉग एक एक अदा से एक कैरेक्टर किसे कितना बड़ा हो सकता है। अगर मैंने उसको एडिट में 10 बार देखा तो मेरे 10 बार आंसू आए, ऐसी ही पावरफुल परफॉर्मेंस उन्होंने दी, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मगर सुमित्रा जी का साथ देना, वहाँ खड़ा होना मेरे लिए बहुत अच्छा बात थी कि मेरे को ईजी रहा, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरे साथ दिया और मेरी टीम को संभाला और सेट को संभाला, तो इनके साथ की वजह से आज ये फिल्म रेडी हुई है और बहुत ही कमाल इमोशनल राइड आपको देखने को मिलेगी इसमें। सचमुच आपको कृष्णा कश्मीर और क्रिकेट की झलक, ये किसी एजेंडा की वजह से तीनों नहीं आए, ये खुद आए ऑर्गेनिकली, कृष्ण जी लाए इसको फिल्म में, आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। सुमित्रा जी आप क्या कहना चाहेंगे, एक लर्निंग एक्सपीरियंस था 2 ईयर वर्क विद नसीर सर, लेकिन कितना प्रेशर था क्योंकि दो डायरेक्टर्स थे और कहानी भी कश्मीर पे थी, तो उस चीज़ का कुछ प्रेशर था एज ए यंग डायरेक्टर, कुछ कहना चाहेंगे? प्रेशर तो नहीं है, मतलब हालांकि मैं कहूँगा मेरा प्रोफेशन है तो उसकी पढ़ाई करी है और काम किया हुआ है, तो ये रोज़ का है, मतलब आपका सुबह उठो और काम करो घर आ जाओ, वो वैसा चीज़ है। और ये और हालांकि ये प्रेशर नहीं, और इजी हो जाता है कि आपका आधा बर्डन एक दूसरा डायरेक्टर के पास है और आधा बर्डन आपके पास है, तो मुझे लगता है फिल्म मेकिंग एक यू नो एक सरहद पे लड़ाई जैसी है,
कि एक सोल्जर चला जाए तो उसको बाद में देखो, आप पहले बचाओ, तो दूसरा सोल्जर वहाँ खड़ा हो जाता है. इन द सेम वे, चाहे वो आपके एडीज हो, चाहे वो कोई कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट हो, या स्पॉट हो, या प्रोडक्शन हो, या एक्टर्स हो, मतलब ए टू जेड हम सब आर्मी जैसे काम करते हैं सेट पे. उसके बाद जब आप फिल्म बाहर निकलती है और आप देखते हैं उसको, फर्स्ट कट देखते हैं या आप स्क्रीनिंग पे देखते हैं, तब तब आप ना वो सारी कहानी पीछे रखती है. हाँ, इस वक्त मैं ये कर रहा था, वैसा कर रहा था, अच्छा यहाँ पे नहीं, अच्छा यहाँ पे वो विनय पाजी वहाँ पे थे, ये मैंने किया था. तो वो एक तालमेल वाली बात है. मतलब आप जैसे लड्डू होते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं फिर जाके मिठास आती है. तो ये सेट भी मुझे ख्याल से ऐसा ही है. प्लस दो जनरेशन हैं ऑब्वियसली, मतलब सर हैं, दर्शील है, सर हैं, मैं हूँ, ये जनरेशन गैप जो है वो पहली बार मुझे मौका मिला काम करने का. एंड टच वुड, लाइक मैं, मेरी जो पहली फिल्म से अभी तक मुझे सारे जो लेजेंडरी एक्टर्स हैं उन्हीं के साथ काम करने को मिला, चाहे वो नसी साहब हों, पल्लवी जोशी मैम हों, महेश मांजरेकर सर हों, अरुण सर हैं, काफ़ी लोग. तो मेरे लिए ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, मेरे लिए बहुत ही ईजी था, क्योंकि मेरे आने से पहले ही सब कुछ ऑलरेडी सेट था. फॉर मी इट्स लाइक कि जाना है, संभालना है और आना है. लेकिन ऐसा तो हुआ होगा ना कि ये सीन इस तरह से लेना, मतलब क्या डिस्कशन होता था, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें विनय सर यहाँ पर? सब बेस्ट पार्ट है कि ईगो क्लैश नहीं होते थे. असल में आइडिया उन्हीं का है, विजन उन्हीं का है. मैं एक उस विजन को थोड़ा सा और प्रोमिनेंट करने के लिए था. और जब आप किसी और के विजन पे काम करते हो तो आपका ये एक मेरे हिसाब से कर्तव्य या धर्म मैं समझता हूँ उस चीज़ को, कि उस पर आप खड़े उतरें. अब वो तो फिल्म देख के देखने के बाद पता चलेगा, या आप सर ही बता पाएंगे कि आई डिड माई जॉब और नॉट. बट ऐसा कुछ नहीं था यार, मतलब मैं बहुत ही शॉर्ट था सेट पे, क्योंकि काम कर रखे हैं सब ने यहाँ पे, तो ऐसा कोई नहीं था. हाँ, जो क्रिकेट क्योंकि मेरे लिए पहली बार था, हम लोग बहुत ही सन को लेके बहुत परेशान थे पूरे फिल्म में, कि सन इधर आएगा, इधर आएगा, उधर आएगा. लेकिन जब आप काम करते हैं और खुले मैदान में गर्मियों में आप काम कर रहे हैं, खाना पीना आप भूल रहे हैं, क्योंकि ये ख़त्म करना है हमें, एक क्वालिटी देनी है. ऐसा भी नहीं कि कुछ भी दे दिया है, तो वो एक थोड़ा स्ट्रेस होता है. लेकिन ऑल ओवर सब ने अपना काम किया, चाहे वो सम्राट हो, जग्गी हो, या एक्टर्स हैं हमारे जितने भी नए एक्टर्स और जिनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सब ने अपना काम किया. और बेस्ट पार्ट है, सब ने अपना ही काम किया, कोई किसी के काम में नहीं गया, नहीं नहीं ये मैं करता हूँ, नहीं नहीं मैं वो. तो इसलिए वो फिल्म एक अच्छी बन गया थी. सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? बस वही कहना चाह रहा हूँ कि ये बहुत लोगों की कोशिश है इस फिल्म को यहाँ तक जो लेके आए हैं. बहुत सारे न्यू कमर हैं इस फिल्म में, और चाहे वो मेकिंग में हो, चाहे वो एक्टर हो, और हमारे पास बहुत ही कमाल के किरदार इन्होंने जो निभाए. इनके ये हमारे मेन ट्रेन का जो मेन इंजन है वो ये लोग हैं. इनकी परफॉर्मेंस, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब मैंने दर्शील और अनु सर के कई सीन देखे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर ने मुझे बताया कि 18 साल के लिए इवेंट मतलब स्पिरिचुअली में, ही इज सच ए फाइन एक्टर. मैं हैरान हूँ, मतलब अभी तक आई बिलीव के वट आई हैव सीन, जो आप लोग कल से देखेंगे, द एक्नॉलेजमेंट विच ही डिजर्व्स एज अ एक्टर, आई बिलीव के इस फिल्म से सबको समझ आएगी. अगर एक नया डायरेक्टर अरुण सर से ऐसा काम करा सकता है, तो मुझे लगता है कि सम रेनाउंड एक्टर जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको सोचना पड़ेगा. क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल था और इतने अच्छे शॉट्स मैंने देखे कि आई एम सो मच थैंकफुल. और आप सबको ये फिल्म देखनी चाहिए फैमिली के लिए और हम सब की कोशिश के लिए. एक सच्ची बात लेके आ रहे हैं, कोई एजेंडा के साथ नहीं आ रहे, कि विश्वास के साथ अब आप चलते हो. कोई चाहे सचिन के साथ विश्वास रखता है, कोई कृष्ण के साथ. आखिर में जो सही रास्ता है वो कैसे मिलता है, कैसे सारे एंगल्स मिल के एक जगह आ जाते हैं, मंदिर कैसे बनता है, इस पूरी कहानी को देखने के लिए कल से आप थिएटर में जाइए. बहुत ही लिमिटेड रिलीज़ है, PVR ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, पूरे इंडिया में इसकी रिलीज़ है. आप इसको देखिए और इसको शेयर कीजिए. ये मे बी मार्केटिंग वाइज इतना ग्लिटर आपको नहीं लिखेगा, लेकिन कंटेंट वाइज आज की डेट में कोई भी बड़ी फिल्म हो, आई एम श्योर यू स्टैंड एट फार मच मच बिगर देन दैट. ये मेरा आप लोगों से वादा है. आखिर में जो है अरुण सर एंड दर्शील, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? क्या कहना चाहेंगे सर ऑडियंस? आई थिंक आप जब कोई फिल्म देखने जाते हो और आपको अगर वो पसंद आती है, वो आपकी फैमिली के साथ आप जुड़ना, आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो, यू नो, वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करने का मौका मिल जाता है. एंड आई फील एंड व्हेन द फिल्म आल्सो हैज़ वो एलिमेंट्स जब होते हैं फैमिली वाले, जैसे आपने अभी तक सुना होगा ओवरऑल
कि ये फिल्म में सबके लिए सब कुछ कहीं ना कहीं है, यू नो, रिलेशंस के बारे में, कहाँ हम जुड़ते हैं और कहाँ हम क्या करते हैं जुड़ने के बाद. यू नो, लाइक विनय सर सेड रिसेंटली कि कैसे करंटली सिनेरियो ऐसा हो गया है कि सब जुड़ नहीं रहे, अभी वो दरारें आ रही है हर जगह वगैरह पे ध्यान दिया जा रहा है. इस फिल्म में हम एक यूनिटी सॉर्ट ऑफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें जो एक हमारे एक सॉर्ट ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं सज्जाद दिलफरूज सर, जो एक MLA का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो भी आउट राइट विलन नहीं है, उनका भी कोई एक रीज़न है उसके पीछे. तो कैसे रियल लाइफ में सबका होता है कि तुमने अगर कुछ कर लिया लेकिन इसके कारण एक गलत इंसान बन गया, वो ऐसा नहीं होता है. वो एक सिचुएशन है, एक डिसीजन तुमने लिया और उसके बाद भी टाइम है तुम्हारे पास, तुम उसको भी और सुधार सकते हो. तो वो एक इम्प्रूवमेंट इंस्पायर करने के लिए हमने इस फिल्म को बनाया है. एंड आई फील दैट स्पेसिफिकली व्हेन यू गो विद योर फैमिली, स्पेशली विद योर फादर, अगर आप अपने पिताजी के साथ एक फिल्म देखने जाते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा. क्योंकि इसमें पहले से होता है कि यू नो, यू आइडलाइज योर फादर जब आप छोटे होते हो और फिर थोड़ा ऐसे रिबेलियस बन जाते हैं, क्योंकि थोड़े अलग अलग पेजेस पे होते हैं. क्योंकि जैसे पता है इनका फेथ अलग है, मेरा फेथ अलग है इस फिल्म में, तो थोड़ी दरारें आती हैं लेकिन फिर फॉर द ग्रेटर गुड जुड़ जाना. वो छोटी एज में आपको वो समझ आ जाता है कि यार एक फादर की एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मेरा बेटा मुझे समझे, और एक बेटे की एक्सपेक्टेशन होती है फादर को सबका के सपोर्ट के लिए. तो उसको बहुत प्यार से विनय सर और सोम सर ने दिखाया इस फिल्म में. सो आई थिंक आइडियली ये बिल्कुल आप अपने पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो. इसमें कोई ऐसे, बिकॉज इट्स कश्मीर तो उस लोगों को डर रहता है कि यार इसमें वो वायलेंस वगैरह या ये सब डाल दिया रहेगा, तो वो सब तो नहीं है ज़रा भी, एक सेकेंड का भी ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ऑल प्योर लव एंड प्योर पैशन. क्रिकेट है हमारे यहाँ पर, वर्ल्ड कप का की हवा है, तो आपको भी कहीं ना कहीं एक रिलेट होगा. सो आई थिंक इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस अगर आप जाते हो, और अगर आपको पसंद आती है आप प्लीज़ शेयर कीजिए सबके साथ. आनंद, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? एक ऐसी फिल्म है जिसे हम अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं. सबके लिए इसमें सब कुछ है, क्योंकि परिवार में कई लोग होते हैं, सबके मिजाज अलग अलग होते हैं, उनकी पसंद भी अलग अलग होती है. जैसे न्यूज़ के बारे में ही होता है कि कुछ सेलिब्रिटी न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं, कुछ क्राइम न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं. तो इस फिल्म में ओवरऑल परिवार के लिए, परिवार के साथ बैठकर आप आराम से ये फिल्म देख सकते हैं. अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल हो जाता है आजकल, पूरे परिवार के साथ आप फिल्में नहीं देख पाते. पहली बात तो ये, बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी सधी हुई फिल्म है. किसी भी चीज़ को उस तरह से ग्लैमराइज, ज़बरदस्ती करने की कोशिश नहीं की गई. जैसे कहानी बनती है, जैसे कैरेक्टर्स हैं, उसी तरह से एक, मतलब आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे हर कैरेक्टर के साथ. इसमें सबसे बड़ी बात यह है इस फिल्म में. अदरवाइज वो बिगर लाइफ वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे कैरेक्टर्स हैं जो इनको हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. तो फिल्म सबको बहुत अच्छी लगेगी. और मैं फाइनली यही कहता हूं कि भाई अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़रूर, आपके सबकॉन्शियस में अच्छी बातें हमेशा चली जाती हैं. सो लेट इट गो इनसाइड, यू विल लव इट. थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. रिलीज है, एक्साइटेड, नर्वस का फीलिंग्स? सो बेसिकली मैं प्ले कर रहा हूँ करण, जो कश्मीरी पंडित है. और बात ऐसी है कि मैं असली में खुद कश्मीरी पंडित हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मेरी पहली फिल्म में मैं वही किरदार प्ले कर रहा हूँ जो मैं पूरी लाइफ प्ले करने वाला हूँ, जो कश्मीरी पंडित चीज़ है. और मैं इट्स अ वेरी बिग एंड अ वेरी, मैं अभी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग फॉर मी टू सी ऑल ऑफ यू, एंड इट्स वेरी न्यू फॉर मी. बट मेरे मॉम डैड काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हम कश्मीर से हैं और ये मूवी कश्मीर पे है. और मैं बिकॉज मेरे डैड ही यूज़ टू लव क्रिकेट, और मैं कभी क्रिकेट खेलता नहीं था, मैं फुटबॉल बहुत खेलता था. तो इस मूवी की वजह से मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी दैट मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ उसमें, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट ये मूवी कश्मीर पर बन रही है. तो जब मुझे इसका ऑडिशन आया था तो
मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं पहले टीवी कर चुका हूँ और मैंने सीरियल्स, एड्स और मॉडलिंग काफ़ी ज़्यादा की है, तो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ थी कि मैं थिएटर पे इतनी जल्दी आ जाऊँगा, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। तो मैंने जब ये ऑडिशन दिया और जब उनने मुझे बोला कि आपको कश्मीरी पंडित ही प्ले करना है, तो वो मेरे लिए काफ़ी एक्साइटमेंट थी मुझे इस चीज़ की कि मैं ये प्ले करना है। और जब मैंने ऑडिशन दिया और वो जो भी राउंड्स होते हैं जब मैंने क्लियर किया, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब माय फैमिली वाज वेरी प्राउड ऑफ मी, आई वाज वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि मैं इतनी जल्दी थिएटर्स में आ रहा हूँ। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब अपनी फैमिली के साथ जाइए और देखिए मूवी, बिकॉज हम सारे नए एक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, बिकॉज ये सबका एक पहला प्रोजेक्ट था और सब ने उतनी लगन, उतनी मेहनत और उतनी जान से हर कोई सीन, हर कोई जो भी हमें किरदार मिले सब बेखूबी से निभाए। तो आई थिंक आप सबको, हम यंगस्टर्स, हम जितने भी नए लोग हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए और इंकरेज करना चाहिए और आपको देखने जाना चाहिए। मैं प्ले करता हूँ द कैरेक्टर कॉल्ड अजहर। कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते बिकॉज इट्स नॉट सपोज टू बी टोल्ड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ द फिल्म, बट येस इट्स अ नेगेटिव शेड कैरेक्टर। एंड व्हेन सौमित्र सर ने मुझे बोला कि ये कैरेक्टर प्ले करना है, माई ब्रीफ वॉज वेरी डिफरेंट एंड येट वेरी सिंपल। आई हैव टू प्ले अ नेगेटिव शेड वाइल कीपिंग इन माइंड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ एथिकल द गेम ऑफ क्रिकेट इज। तो ये एक ब्रीफ दिया गया था एंड द फैक्ट, जब आपने सुना पहले भी कि ये दर्शील जो प्ले कर रहा है उनकी टीम वर्सेज एन अकेडमी की टीम है, तो जो अकेडमी की टीम का एक पार्ट हूँ मैं, जिसके अंदर वी आर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, बट उस प्रोफेशनल क्रिकेटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर एक नेगेटिव शेड डालना था किसी तरीके से, जिसका ब्रीफ दिया गया हुआ कैरेक्टर ऐसा है जो मैं चाहूँगा नहीं कि ये मैं एक्सप्लेन करूँ बिकॉज वो फिल्म का मज़ा हट जाएगा। yes. So, मैं प्ले कर रहा हूँ रोहन, एंड रोहन इज वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ अर्जुन जो दर्शील भाई प्ले कर रहे हैं, एंड या सो आई एम जस्ट अ गैंग ऑफ दर्शील भाई द अर्जुन, एंड हम लोग साथ में वी फॉर्म अ टीम टू प्ले अगेंस्ट प्रोफेशनल्स। सो उसमें ऐसा था लाइक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड येस आई पर्सनली डू रियली लाइक क्रिकेट और मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ, बट लाइक या आई वॉज लाइक इट्स माई स्टिल माई ड्रीम कि मैं क्रिकेटर बनूँ, बट लाइक एक्टिंग एंड पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग सब मैनेज नहीं हो सकता, एंड इसकी वजह से आई वॉज एबल टू सीख सम क्रिकेट ट्रेनिंग एंड ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड हमने बहुत मज़ा किया। सर आप बताइए। हाय, माय नेम इज़ निखिल, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। तो ये करेक्टर मुझे 2021 में महेश भट्ट की पाठशाला हुई थी, तो वहीं पे मैंने किया और ये मेरी पहली डेब्यू फिल्म है, तो काफ़ी मज़ा आया इन सबके साथ काम करके, है ना, डेब्यू एक्सपीरियंस। ये बेसिकली हमारे कैप्टन है, तो मैं इस फिल्म में अनवर एज अ कैप्टन और पहली डेब्यू फिल्म है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत मेहनत की हम सब लोगों ने, तो प्लीज़ यार जाए देखने, है ना, इट्स वेरी गुड। अपनी फैमिली के साथ स्पेशली फादर और सन वो तो ज़रूर जाए, मतलब मैं आज भी वो सीन देखता हूँ। Since we are celebrating the 5th year of ICE India Cummings Expo, because we are expecting the pan India visitors which are going to visit the